आइए महामहिम रूबी सेन जी, प्लीज आइए हमारे अहमद भाई जो है हम लोग को खिदमत में लगे हुए हैं। थैंक यू अहमद भाई। अहमद भाई इस बोट के मालिक हैं। थैंक यू अहमद भाई। मैडम कोने में बैठी हुई हैं, उनके पास भी चाय अभी जाएगा। Hi everyone and welcome back to my channel Saint's Nest. मैं रूबी सेन, आप सब कैसे हो? I hope you all are doing well. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपने नहीं देखा है मेरा पिछला ब्लॉग शिकारा राइड इन श्रीनगर, then please check it out. I hope आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल में देन सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। और फ्रेंड्स, मीना बाज़ार से मैंने ये वाला नेकलेस परचेज़ किया है एंड ईयर रिंग्स, और मीना बाज़ार पूरा मैंने शेयर किया है अपने पिछले ब्लॉग्स में, सो आप देख सकते हो। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज़ पॉसिबल विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है 150 और मेरा फेसबुक पेज है सेंट्स नेस्ट। शिकारा राइड करने के बाद हम लोग हाउस बोट में आ गए और हाउस बोट में अभी हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं। और अभी अभी हमने ब्लैक टी लिया है और हल्की हल्की ठंड बढ़ने लगी है, इसीलिए मैंने शॉल ओढ़ा है। और ये शॉल भी मैंने मीना बाज़ार से परचेज किया है। आज हमारा ट्रिप का लास्ट डे है और इसीलिए हम लोग फुल्ली इंजॉय कर रहे हैं, बैठ के गपशप कर रहे हैं। और ये 10 डेज़ का टूर हमारा बहुत ही अमेजिंग था, ब्यूटीफुल था, बहुत हमने एंजॉय किया। और ये लास्ट डे तो माइंड ब्लोइंग था, बहुत ही मैंने ड्रीम कम ट्रू यू कैन से कि हाउस बोट में स्टे करना फॉर वन नाइट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस। और ये देखिए बारिश होने लगी, हल्की हल्की बारिश हो रही है और सनसेट होने ही वाला है। और व्यू देखिए डल लेक का, अमेजिंग व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सब गप मारते मारते डिनर टाइम भी हो गया है और देखिए टेबल को फिर से डेकोरेट करके इन लोग खाना सर्व कर रहे हैं। और क्या क्या है खाने में देख लेते हैं। और इसमें है रोटी, गर्मा गर्म फुलके रोटी, और है दाल फ्राई और कश्मीरी आलू दम, साथ में सलाद हैं और है ज़ाफ़रानी पुलाव। आपको अगर नॉन वेज पसंद है तो आप नॉन वेज भी ऑर्डर कर सकते हो। डिनर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है, हमने यही ऑर्डर किया है क्योंकि कल फिर हमें लॉन्ग जर्नी करना है, इसीलिए लाइट खाना ही ठीक है।
और हम लोग खाना डिनर करने लगे। खाना बहुत ही टेस्टी है, यमी है। और लास्ट में हमें बटर मिल्क भी परोसा गया। खाना खाने के बाद हम लोग फिर से आ गए बालकनी में और डल लेक का नाइट व्यू देखिए कितना अमेजिंग, ब्यूटीफुल और वंडरफुल है। जो लाइट का रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रहा है, यू कैन सी कितना सुंदर लग रहा है। इसीलिए शायद इसे कहते हैं हेवन ऑफ अर्थ। और ये है हुक्का, ये है फ्लेवर्ड हुक्का। इसमें कोई टोबैको नहीं है, नो टोबैको। और इसमें दो तीन तरह के एसेंस दिए हुए हैं, फ्लेवर्स है ये। तो ये है फ्लेवर्ड हुक्का और देखिए हुक्का का भी मज़ा लिया जा रहा है। था आज का ब्लॉग, आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा हमारा जर्नी टू श्रीनगर टू झारसुगड़ा, और हमने किस तरह से अपना जर्नी किया है बाय एयर और बाय ट्रेन, ये सब कुछ मैं आपसे शेयर करूंगी। तो मिलते हैं ऑन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।